नमस्कार, आप देख रहे खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया। वैसे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति दीवानगी सुर्खियों में आती रहती है, जिससे लेकर लगता है कि जनता के प्रति प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं। एक ऐसा लोकप्रिय मामला सामने आया कि नामली जिला रतलाम मध्य प्रदेश के रहने वाले शंकरलाल परिहार ने अपने पुत्र राहुल परिहार के साथ मिलकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर दाढ़ी कटिंग फ्री करने का निर्णय लिया, जिसमें बताया है कि सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दाढ़ी कटिंग फ्री में रहेगी। इस अजब गजब निर्णय लेने से शंकरलाल परिहार और उनके पुत्र राहुल परिहार की गिनती मोदी भक्त में नंबर होने लगी है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में इस फ्री दाढ़ी कटिंग के कार्य को लेकर भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा ने प्रशंसा की है और कहा है कि सबसे पहले इस मोदी के प्रति स्नेह का जो कार्य किया जा रहा है, मैं खुद इस कार्य में भाग लेकर दाढ़ी कटिंग कराऊंगा और कार्यकर्ताओं को भेजूंगा। शंकर परिहार एवं उनके पुत्र राहुल परिहार ने सभी राजनीतिक दलों के राजनेता एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में परिहार हेयर सलून में आए और मोदी जी को शुभकामनाएं बधाई देने का माध्यम बने। इस फ्री दाढ़ी कटिंग के आइडिया को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ये पिता पुत्र परिहार चर्चा के विषय बन गए हैं। इन दिनों दोनों का सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार मिलने का मौका मिले, तो उस अपील का नगरवासियों को लेकर एक इतिहास रचना चाहिए, जिससे नामली नगर की लोकप्रियता बड़ी हो और कहीं नामली का नाम हो। वैसे नामली नगर का वैसे भी राजनीतिक मामलों को लेकर मुख्य केंद्र बिंदु, अधिकतर राजनेता अपनी राजनीतिक सफलता को लेकर पिछले वर्ष जनता के बीच लोकप्रिय है। उसी प्रकार शंकरलाल परिहार श्री मोदी जी के प्रति स्नेह की प्रशंसा होती रहेगी और नगर के यादों के नाम होती रहेगी। मोदी जी ने 5 साल तक लगातार अच्छा कार्य किया और 5 साल आने वाला ये भी अच्छा कार्य करेंगे और ये हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, कभी भी अहंकारी पद से नहीं काम किया इन्होंने। सबके लिए गरीब आप अच्छा विकास करना चाहते हैं और हमेशा विकास ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे देश के लिए और सभी के लिए। गरीब सभी के लिए सम्मान मतलब सोच है इनकी, कभी भी मतलब किसी भावना मतलब प्रकट नहीं करता। दाढ़ी कटिंग का आइडिया आपको कहाँ से आया? समाचार देखता हूँ मैं हमेशा, 5 साल से लगातार मोदी जी का देखता हूँ समाचार, उसी में मैं मतलब भावना प्रकट की कि इनके विचार अच्छे हैं और ये कार्य मेरा दाढ़ी कटिंग का निःशुल्क आज के लिए मैं शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए मैंने निःशुल्क सुबह 7 बजे रात को 12 बजे तक फ्री दाढ़ी कटिंग बनाई जाएगी। रतलाम से नारायण चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।